लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी नगर रामपुर के कुशल नेतृत्व में सिविल लाइन सूचना के आधार पर बरेली गेट तिहारा चार व्यक्तियों को बुलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। वही चेक करने पर गाड़ी के नंबर प्लेट फर्जी पाए। गाड़ी का नंबर UK 06AF 0744 नंबर प्लेट लगी हुई थी। सख्ती से पूछने पर गिरफ्तार अपराधी शुभम, सुखवीर, धर्मेंद्र, विशाल चारों अपराधी हैं। ये पेशेवर चोर हैं। शुभम और सुखवीर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहीं दो अपराधी रामपुर के हैं। अभियुक्त शुभम ने बताया कि लैपटॉप से मैंने सभी जानकारी हासिल करके गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेट बनवाई। वहीं सुखवीर ने बताया कि RC पर मोहर लगाई है, RTO कार्यालय की है और RTO के फर्जी हस्ताक्षर भी RC पर किए हैं। इस गाड़ी की बीमा कागज मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके बदले मुझे धर्मेंद्र ने रुपए दिए थे। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण इस कार्य को अंजाम दिया। यह बुलेरो गाड़ी नरेश ने दी जो मौके से फरार है। वही एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 24 जनवरी को हमारे यहाँ एक शिकायत हुई थी। अमरोहा के आसाराम ने शिकायत की थी कि टेलीफोन से उनकी गाड़ी को किराए पर बुक की गई थी। बताया रामपुर के जिला अस्पताल चलाना है और जिला अस्पताल के आसपास घूम फिर रहे थे। कुछ देर में उसे चाय पिलाई और चाय में कोई नशीली पदार्थ दे दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। आज पुलिस टीम पर एक बड़ी सफलता मिली है। इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। चारों अपराधियों को पकड़ा गया। वहीं इसका मास्टरमाइंड नरेश और एक व्यक्ति अज्ञात है जो फरार है, जिसके बारे में बता नहीं पा रहे। नरेश के पकड़े जाने के बाद इस तरीके के और खुलासे होंगे। इसी जनपद का रहने वाला है और काफी समय पहले हत्या के मामले में आरोपी था और अपनी सारी संपत्ति बेचकर उत्तराखंड में छुप गया है। वहीं गाड़ियों के पेपर तैयार करने वाले शुभम और सुखबीर हैं। वहीं विशाल और धर्मेंद्र भी शामिल हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, नरेश का आपराधिक रिकॉर्ड है। शहजाद नगर में हत्या का मामला चल रहा है। 24 जनवरी 2019 को हमारे यहाँ एक शिकायत दर्ज हुई थी अमरोहा के एक आदमी आसाराम ने की कि उनकी गाड़ी को किराए पे, बोलेरो गाड़ी किराए पे टेलीफोन से एक आदमी ने बुक किया। उसके बताए स्थान पर वो लेकर पहुंचे। वहाँ से उसने बताया कि रामपुर के जिला अस्पताल चलना है। जिला अस्पताल तक उसे वो ले आया। उसके बाद घुमाते फिराते उसने कहीं उसे जिला अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच में चाय वगैरह पिलाई। उसमें कोई ऐसा नशीला पदार्थ दे दिया जिससे कि वो सुदबुद्ध हो बैठा और फिर वो गाड़ी लेकर के फरार हो गया। जब उसका नशा कुछ कम हुआ तो लोगों ने उसे बताया कि आप रामपुर जिले में हैं और इस आधार पर उसे बताया तो पुलिस स्टेशन आया। पुलिस ने इसकी तहकीकात करने के बाद इसमें अभियोग दर्ज किया था। सिविल लाइन्स पुलिस को इस मामले में भारी सफलता मिली है। एक तरह से गाड़ी उठाने वाले जो इस तरह से छीनते हैं नशा दे करके, जो फिर उसका पेपर तैयार करते हैं और जो इसके मध्यस्थ हैं, इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। चार आदमी इसमें से अरेस्ट हो गए। जो मास्टरमाइंड है इसका नरेश और एक व्यक्ति अज्ञात है जिसके बारे में ये चारों भी नहीं बता पा रहे हैं। ये दोनों अभी फरार हैं। हम विश्वास करते हैं कि नरेश के पकड़े जाने के बाद इस तरह की कुछ और गाड़ियां भी मिलेंगी और नरेश बड़ा सातिर है, इसी जनपद का रहने वाला है। लेकिन काफ़ी पहले हत्या के मामले में भी वो आरोपी था और अब वो अपनी सारी संपत्ति वगैरह बेच करके उत्तराखंड में कहीं लोग छिप कर रहता है। उसके मिल जाने के बाद हो सकता है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले, क्योंकि इनके बताने के हिसाब से उसने कई गाड़ियों के फर्जी पेपर बनवाए थे, तो कई और गाड़ियां भी बरामद हो सकती हैं और तमाम लोगों को लिया जा सकता है। सर रेगी तो करके सर ये अंतर जनपदीय ग्रोह है और इस तरीके के काम ये कहाँ कहाँ करते थे? देखिए, ये इसको हम कह सकते हैं अमरोहा से गाड़ी किराए पर बुक करा रहा है, रामपुर में छोड़ रहा है,
उत्तराखंड में भेज रहा है। इसके जो रैकेट्स के लोग हैं जो फर्जी पेपर तैयार कर रहे हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इस आधार पे हम इसे इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि इंटर स्टेट गैंग भी कह सकते हैं, लेकिन बड़े सफाई से ये काम करता है ये गैंग। और इसके जो पेपर तैयार करने वाले शुभम हैं और उनके मध्यस्थ सुखवीर और धर्मेंद्र हैं, ये पकड़े गए हैं। एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति, विशाल नाम का व्यक्ति और है, जिसे जो हमारा मुख्य अभियुक्त नरेश, उसने उसे लोग कहते हैं कि दत्तक पुत्र बना लिया है, तो वो भी पकड़ा गया क्योंकि गाड़ी उसी के पास से बरामद हुई थी, उसी से पूछताछ में और सारी चीजें हमने बरामद। तो कोई इनके आरटीओ ऑफिस से कहीं से कोई अभी इस तरीके का? नहीं, आरटीओ ऑफिस से नहीं, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सर्विस का अपना है शुभम, उसके माध्यम से ये काम करते थे। और इसमें दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक आरटीओ ऑफिस का दलाल है और एक व्यक्ति है जो बीमा का काम करता है। तो इस तरह से गाड़ियों के पेपर कैसे बनते हैं ये सारे दोनों उसको उसकी टेक्निक बताते हैं, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारे पेपर्स डाउनलोड करके और उसका उसी तरह का कलर प्रिंट निकाल करके मोहर लगा करके और सबको देते हैं। आपराधिक इतिहास क्या है इनका? आपराधिक इतिहास इन जो व्यक्ति पकड़े गए हैं अभी, इनके बारे में आपराधिक इतिहास क्योंकि ये बाहर के हैं, इनकी हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन नरेश के बारे में हमें पता चल गया कि हमारे ही जनपद के पटवारी शहजाद नगर से वो हत्या जैसे मामले में पूर्व में आरोपी था, उसके खिलाफ चार्जशीट है, तो उसका भी आपराधिक इतिहास जुटा। ठीक है सर।